है दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है अबाउट द इंजेक्शन मोल्ड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन मोल्ड टेक्नोलॉजी, राइट। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स हैं देखते हैं। सबसे पहले है इंजेक्शन मोल्ड मशीन। तो भाई इंजेक्शन मोल्ड मशीन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पहले तो, कि इंजेक्शन मोल्ड मशीन क्या काम करती है। और बेसिकली इंजेक्शन मोल्ड मशीन हमारे पास जो अवेलेबल होती है वो 30 टन में, 50 टन में, 80 टन में, 100 टन में, 150 टन में और बहुत सारी कैपेसिटी में भी अवेलेबल होती है, राइट। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। जैसे यहाँ पर मोल्ड क्लैंप यूनिट आपको दिख रहा है, जहाँ पर हम मोल्ड को क्लैंप करने का काम करते हैं, राइट। डाई एंड मोल्ड यूनिट, डाई एंड मोल्ड यूनिट बेसिकली वो वाला पोर्शन है जिसके लिए हम लोग डाई डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे डाई या फिर मोल्ड जो हम लोग डिजाइन करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, वो इसी जगह फिट होने वाला है, राइट। उसके बाद है इंजेक्शन यूनिट। इंजेक्शन यूनिट ये इंश्योर करता है कि उसके अंदर मटेरियल, जो भी ये प्रॉपर मटेरियल या फिर मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल उसके अंदर पहुंच पाएगा कि नहीं, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक मटेरियल, भाई वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द प्लास्टिक मटेरियल ऑल्सो। हमको प्लास्टिक मटेरियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जनरली अगर हमको पता है कि प्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, भाई थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है और थर्मोसेट मटेरियल होता है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है। भाई थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो रिसाइकल हो सकता है, थर्मोसेट मटेरियल रिसाइकल नहीं हो सकता, राइट। तो प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में अधिकतर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई हमको जानना है मोल्ड बेस के बारे में। जो मोल्ड हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर लगाने वाले हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए, राइट। जैसे कि आपको यहां पर दो हाफ नजर आ रहे हैं, राइट, मतलब दो पोर्शन नजर आ रहे हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड हाफ और एक होता है मूविंग हाफ। तो फिक्स्ड हाफ क्या होता है? फिक्स्ड हाफ बेसिकली क्या होता है कि मोल्ड के अंदर क्लैंप हो जाता है। वैसे मूविंग हाफ भी मोल्ड के अंदर क्लैंप होगा या फिर इंजेक्शन मोल्ड मशीन के अंदर क्लैंप होगा, लेकिन फिक्स्ड हाफ फिक्स रहता है। मूविंग हाफ क्या करता है? मूव करने का काम करता है। क्लोज कंडीशन में इन दोनों को हम लोग कहते हैं मोल्ड की हाइट, मतलब मोल्ड की शट हाइट। मतलब आप बोल सकते हो कि भाई कंप्लीट अगर क्लोज कंडीशन में बोलूं तो मोल्ड की एक हाइट कहलाएगी जिसको शट हाइट बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टॉप प्लेट है और कैविटी प्लेट है जो कि फिक्स्ड हाफ को पूरा करता है, राइट। मूविंग हाफ में कौन कौन से पार्ट्स हैं? भाई कोर प्लेट, बैक प्लेट, स्पेसर ब्लॉक। ठीक है, स्पेसर ब्लॉक यहां पर क्या काम करता है? स्पेसर ब्लॉक यहां पर काम करता है भाई इजेक्टर ग्रिड को एक स्पेस प्रोवाइड कराने का काम करता है ताकि कंपोनेंट को वो इजेक्ट कर सके, राइट। ठीक है, तो इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट और बॉटम प्लेट। ठीक है, कैविटी प्लेट हमको पता है भाई कैविटी प्लेट क्या होती है, जिसके अंदर किसी कंपोनेंट का एक फीमेल पोर्शन कंटेन होता है, राइट। और कोर प्लेट क्या होता है? जिसके अंदर उसका मेल पोर्शन होता है। तो दोनों मिलके क्या बनते हैं भाई? एक इंप्रेशन बनते हैं उसका, राइट, तभी तो हमारा कंपोनेंट क्रिएट होगा, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई मोल्ड बेस वर्किंग, मोल्ड किस तरह से काम करता है? कोई भी मोल्ड बेस होता है तो किस तरह से काम करेगा? किसी भी तरह का कंपोनेंट है तो यहां पर आपको उसकी एक वर्किंग नजर आ रही है। भाई यहां पर एक कंपोनेंट अभी इजेक्ट हुआ है, राइट। ठीक है, अब ये क्या हुआ है? क्लोज हुआ है। क्लोज होने के बाद मटेरियल फील होता है, उसके बाद फिर से ये कूल होता है। कूल होने के बाद फिर क्या होगा? ये कंपोनेंट फिर से इजेक्ट होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मूविंग हाफ है जो कि मूव करने का काम कर रहा है, और जो आपको पर्पल कलर में एक नजर आ रहा है वो है फिक्स्ड हाफ, राइट। ठीक है, देखते हैं भाई। तो यहां पर कुछ प्रोसेस है बेसिकली। इसमें सबसे पहले क्या होता है? फीलिंग होता है ना, मटेरियल को फील किया जाता है। फिर पैक एंड होल्ड होता है, मतलब उसको क्या करता है? क्लैंप करके रखता है भाई वो, राइट। उसके अंदर फिर क्या करेगा? वो उसको कूल करेगा, पार्ट को कूल करने का काम करेगा। ठीक है, फिर ओपन होगा मोल्ड और कंपोनेंट का क्या होगा? इजेक्शन प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होता है भाई? वापिस से क्लोज होता है। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस एक लूप में चलता है, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कितनी तरह के मोल्ड हमको देखने को मिलेंगे और कितनी तरह के मोल्ड को हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे उसकी कैलकुलेशन वगैरह समझने वाले हैं, राइट। चलो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास टू प्लेट मोल्ड। देखो टू प्लेट मोल्ड कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके अंदर बेसिकली जो पार्टिंग लाइन दिख रही है ना आपको, पार्टिंग लाइन सिर्फ एक है, मतलब कंपोनेंट डायरेक्टली क्या होगा? इजेक्ट होगा विद द फीड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास थ्री प्लेट मोड। देखो थ्री प्लेट मोड में पार्टिंग लाइन दो दिख रही है, मतलब रनर सिस्टम या फीड सिस्टम हमारा अलग से गिर रहा है और कंपोनेंट हमारा अलग से निकल रहा है, राइट। उसके बाद है हमारा हॉट रनर सिस्टम। देखो हॉट रनर मोल्ड क्या होता है? हॉट रनर मोल्ड में फीड सिस्टम नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है? पूरा का पूरा एक आपको मशीन जैसा नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? मटेरियल जो होता है वो मेल्टेड कंडीशन में रहेगा, राइट। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर एक और मोल्ड है, देखो जिसको बोलेंगे स्लाइडर मोल्ड। स्लाइडर मोल्ड अधिकतर हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द एक्सटर्नल अंडरकट। अगर किसी कंपोनेंट के अंदर कोई एक्सटर्नल अंडरकट रहेगा तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्लाइडर मोल्ड, राइट। उसके बाद है लिफ्टर मोल्ड। ठीक है,
तो लिफ्टर मोल्ड देखो यहां पर क्या होता है, कोई अगर इंटरनल अंडरकट हमारे पास अवेलेबल हो किसी कंपोनेंट के अंदर, तो उसके लिए हम लोग लिफ्टर मोल्ड को डिजाइन करते हैं, राइट। तो इस तरह के कुछ मोल्ड होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मोल्ड होते हैं भाई, लाइक अनस्क्रूइंग मोल्ड, ठीक है, और आपको गियर मोल्ड भी जिसको आप बोल सकते हो, राइट, थ्री प्लेट मोल्ड होता है, या फिर आप बोल सकते हो स्टीपर प्लेट मोल्ड होता है, लेकिन उसको हम लोग डिजाइन के दौरान जरा समझेंगे तो हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आने वाला है, राइट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एक सिंगल कैविटी मोल्ड को समझेंगे ताकि हम लोग मोल्ड बेस को समझ सकें कि मोल्ड बेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोल्ड है कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट एक डिजाइन मोल्ड है। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट अवेलेबल है, वो कंपोनेंट मैं आपको इस तरह से एक बार शो करके दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है, इसको जरा मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो दिस इज नथिंग बट द डस्ट पेन, ठीक है, आपके सभी के घरों में ये डस्ट पेन मिलता होगा। तो इस डस्ट पेन के लिए हमको एक मोल्ड की मशीन क्रिएट करना होती है, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट एक मोल्ड मशीन है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों को हम लोग पहले समझ लेते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाली प्लेट दिख रही है, ये है आपकी टॉप प्लेट, और यहाँ पर ये बॉटम प्लेट है, राइट। उसके बाद आपको ये जो प्लेट दिख रही है, ये कैविटी प्लेट है, और ये कोर प्लेट है, राइट। यहाँ पर है स्पेसर ब्लॉक, स्पेसर ब्लॉक के सेंटर में आपको दिखेंगे, यहाँ पर ये है इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट। इसके अंदर कई चाइल्ड पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, इवन इसकी कूलिंग भी यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसको भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये कैविटी प्लेट है, ठीक है, तो इस कूलिंग को जरा मैं यहाँ से एक बार हाइड करता हूँ, तो कि कंपोनेंट को कूल करने का काम करेगा, राइट। तो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कूलिंग चैनल्स, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट को कूल करने का या ठंडा करने का काम करने वाला है, राइट। और ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा फिक्स्ड हाफ हो गया, इधर लेके जाते हैं भाई, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मूविंग हाफ, ठीक है। इसको भी जरा मैं कुछ कंपोनेंट को यहाँ से हाइड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर से मैं इसको यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई फिक्स्ड हाफ में कौन कौन से चाइल्ड पार्ट्स या कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, राइट। तो यहाँ से मैं इसको जरा हाइड कर देता हूँ, इनको भी हाइड कर दिया मैंने, राइट, लाइक दिस, और यहाँ से ए 1, 2 एंड 3 एंड 4, इनको भी मैंने हाइड कर दिया, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंप्लीट फिक्स्ड हाफ, ये कंप्लीट एक फिक्स्ड हाफ, है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंसी से अगर हटा दूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर नजर आएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कूलिंग चैनल्स और कूलिंग पाइप क्रिएट करके बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इसके अंदर एक व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर वेंट। तो एयर वेंट बेसिकली क्या करता है, कंपोनेंट के अंदर जो एक्सेस गैसेस होती हैं उसको अलग करने का, उसको बाहर करने का काम करता है, राइट। उसके बाद ये फिक्स्ड हाफ वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको भी मैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से हटा देता हूँ तो आपको कंपोनेंट और अच्छी तरह से सॉलिड फॉर्म में नज़र आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से मैं इसको ट्रांसपेरेंसी से एक बार हटा देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या है, हमारा एक मूविंग हाफ, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंट क्या होगा, इसके अंदर से इजेक्ट होगा, और यहाँ पर आपको येलो कलर के एक पोर्शन नजर आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स और डॉट नजर आएंगे। तो ये जो येलो कलर के आपको पॉइंट्स और डॉट हैं, ये बेसिकली क्या है, इजेक्टर पिंस, ठीक है। थोड़ा जूम करके बता देता हूँ मैं, देखो ये है इजेक्टर पिंस, ठीक है। इजेक्टर पिंस क्या करेगा, कंपोनेंट को इजेक्ट करने का काम करेगा, राइट। तो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट मोल्ड फॉर द डस्ट पेन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम लोग मोल्ड डिजाइन को करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको अच्छा लगा अगर वीडियो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।